तीसरी रैंक का बच्चा कौन है, कहां से है? ठीक है, चलो। स्कूल कौन सा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर स्कूल मेरा सर कौशाम्बी में। कौशाम्बी में। कौशाम्बी में कहाँ के रहने वाले यार, तुम बताओ थोड़ा। सर हम धर्मादेय इंटर कॉलेज से पढ़ते हैं। अच्छा चलो ठीक है। तुम्हारे सुमित सर वही उधर के पास की है, सुमित सर भी वहीं गए हैं। जी सर, हाँ सर उनसे हम पढ़े हैं ऑफलाइन। अच्छा, उनसे ऑफलाइन भी पढ़े हो तुम? यस सर। ओके, तब तो तुम बड़े खास आदमी। देखो बच्चा सुमित सर का स्टूडेंट है, ऑफलाइन भी सुमित सर से पढ़ा है और ऑनलाइन में भी धमाका किया। चौथी रैंक है तुम्हारी साहब। ये सर बताओ, तीसरी रैंक 8,500 बच्चों के टेस्ट में तुम्हारी चौथी रैंक आई है, वो चौथी रैंक पा करके तुम कैसा फील कर रहे हो? मतलब कुछ अंदर से फीलिंग गुड हुई? सर गुड भी है, लेकिन सर ये कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है कि हमारी फर्स्ट रैंक नहीं आई। सर लोग अच्छा ये बताओ, फर्स्ट रैंक पे केवल एक ही बच्चा तो आएगा ना भाई? फर्स्ट रैंक पे केवल एक ही बच्चा तो आएगा। अब उस पे सब बच्चे सोचते हैं मैं फर्स्ट पे आऊं, फर्स्ट पे आऊं, तो कोई फर्स्ट पे एक ही आता है। जो आ गया, मेहनत किया, चौथी रैंक कम नहीं होती? 8,500 बच्चों के टेस्ट में हम चौथी रैंक पे आए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है बेटा। तीसरी आई है। यस तीसरी आई है। अच्छा चलो, जो भी होगी तुम्हारी टीम कनेक्ट करेगी, जो भी होगा आपसे बात करके आपका जो भी प्राइज होगा वो आपके घर पे पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ रूम लेके रहते हो बेटा पढ़ाई के पर्पज से कि फैमिली के साथ? सर रूम लेके रहते हैं। तब फिर तुम रोटी गोल बनती है तुमसे? नहीं सर नहीं बनती। कैसे बनती? मतलब अभी नक्शे पे चल रही है तो जी सर नक्स। नक्शा बन जाती है। देखो इनके साथ जो बच्चा गांव से आता है, हम भी आए थे गांव से पढ़ने के लिए अपने शहर पे, तो सबसे बड़ी समस्या शुरुआती दिनों की ये होती है। तब तो सही बन जाता है, दाल चावल सब्जी बनाने में तो एडजस्ट हो जाता है ना कुछ दिन में। रोटी एक बहुत ही बड़ा, मतलब वहां पे मैथ की चाहे जितने फॉर्मूले लगा दो, चाहे जो रूल लगा दो, सही बात है ना, काम नहीं करते हैं। जब जब पहले नक्शे बनाने पड़ते हैं, उन नक्शों में भारत का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का, पहले देश के नक्शे बनते हैं, राष्ट्रों के बनते हैं, उसके बाद फिर राज्यों के बनने शुरू होते हैं। उत्तर प्रदेश का नक्शा कुछ दिन बनता है, फिर बिहार का बनता है। और जुगाड़ तुम्हें बताए टुकु रोटी बनाने का, यस तो को बड़ी सी रोटी बेल लिया करो, उसके बाद कुछ कटोरी रखे से काट लिया करो। ये वाला सिस्टम सही रहेगा, समझ रहे हो? चलो बेटा बहुत अच्छा लगा। पापा क्या करते वैसे? सर पापा जी आप करते हैं। चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो। तो कुल मिला के बेटा बस, अगर यहाँ पे सार में पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई अच्छे से करो, और अगली बार कोशिश करो कि हमारी और इससे अच्छी रैंक आए। ठीक है, सर इस तरह के टेस्ट सर हर महीने करवाइए सर। इस तरह के टेस्ट में कल बच्चों ने इतना बवाल मचा दिया, समझ लो हमारे सर्वर को ऐसे सब पूरी टीम पकड़ के बैठी थी। और उम्मीद करते हैं कि इससे बड़े बड़े टेस्ट करेंगे। कल आप लोगों का एक मनोबल देखना था और आप लोगों ने उत्साह इतना बढ़ाया कि पूरी टीम के अंदर एक अलग सा जोश आ गया। बेटा बस आपका सपोर्ट चाहिए, अगली बार हम पूरी मेहनत करेंगे, टेस्ट और करवाएंगे। ठीक है,